सुनो, तुम्हें स्कूल में कोई कुछ भी दे तो नहीं लेना है, उसे नहीं खाना है, ठीक है? और अब मन लगा के पढ़ना, तुम्हें IAS ऑफिसर भी बनवाना है, ठीक है? दीदी, मैं मन लगा कर ही पढ़ाई करूँगा, आप चिंता मत करो। दिखता नहीं है तुम्हें, हाँ? अंधा हो क्या? गुंडा है क्या तू कहीं का? डॉन है क्या? ऐसे चलेगा रोड पे? किसी लड़की को धक्के मारते हुए जाएगा क्या? एक मिनट में सारी गुंडागर्दी निकाल दूंगी मैं तुम्हारी। ओए लड़की, तुझसे मेरा थोड़ा सा कंधा क्या टच हो गया? तूने मुझे कितना सुना दिया और चांटा भी मार दिया, फिर भी मैं तुझसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और तुझे पता है मैं तुझसे कुछ क्यों नहीं कह रहा हूँ? क्योंकि तू एक लड़की है और अब तक पता नहीं क्या हो जाता। लड़का होता तो तू क्या मार देता? बता, मार देता क्या? चला घर, चला। ओए, तुझे बहुत देर हुई दुकान चलाते हुए। अब होगी तेरी बोलती बंद, अब कर बक बक। ओए, तूने क्या कर दिया? मेरी दीदी को मार दिया। दीदी, दीदी आपको क्या हुआ? दीदी उठो, दीदी। ओए यार, तूने ये क्या कर दिया? मैंने उससे कुछ नहीं कहा और तूने उसे गोली मार दी। देख यार, कितनी सुंदर लड़की थी। अरे यार, वो सही तो कह रही थी, गलती मेरी ही थी और तूने उसे जान से मार दिया। दीदी उठो, दीदी आपको ये क्या हुआ? अरे सालों, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़े, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम किसी भी कोने में छुप के बैठ जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे छोटू, क्या हुआ? और तू इतना उदास सुस्त क्यों बैठा है? छोटू, मैं डेली काम के लिए जाता हूँ और तेरे साथ तेरी बहन भी रहती है, आज दिखाई क्यों नहीं दे रही है? कहाँ गई है तेरी बहन? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कुछ नहीं भैया, कल मेरी बहन ट्यूशन पढ़ाने ले गई और रास्ते में जग्गा और सत्या मिल गए और उन्होंने मेरी बहन को मार दिया। अब तो भैया मेरा कोई नहीं रहा और मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाई और मैं पढ़ाई करना भी नहीं चाह रहा। अब मैं अपनी बहन का बदला लूंगा। मुझे नहीं पता तेरी बहन को मार दिया, ये तो बहुत अनर्थ हो गया। देख, तू चिंता मत कर, अपनी पढ़ाई कर और पढ़ने जा, भगवान सब अच्छा करेगा। नहीं भैया, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, अब मुझे अपनी बहन का बदला लेना है। भैया आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, मैं तो नहीं मार पाऊंगा उन्हें। अगर हो कोई ऐसा तो मुझे बताओ, जो कोई हो जग्गा सत्या को मार सके। अगर उन्हें मार दिया तो मैं उसकी सारी जिंदगी गुलामी करूंगा। अच्छा छोटू, ऐसा तो कोई नहीं है मेरी नज़र में। हाँ, मेरा मालिक है, तू चल। मेरा मालिक पहले बहुत बड़ा गुंडा था, वो ही मार सकता है उनको। ठीक है भैया, चला। फुलवारी मुरझाने लगी, इसमें पानी भी लगना है। टाइम भी तो देखो, 10 बज गए और अभी तक नहीं आ पाया। पता नहीं जन क्या कर रहा है। अरे महावीर, तू अब आया है और मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूं। देखी, सारी फुलवारी सूख गई है, इसको पानी लगना है और इतना लेट आया है। क्या हुआ, क्या करता रहा तू? वो मालिक कुछ नहीं, ऐसे ही लेट हो गया, अभी पानी लगाता हूँ ना मैं। चल ठीक है, लगा दी। और ये बच्चा कौन है, इसको क्यों साथ लेके आया है? मालिक, ये बच्चा ना बहुत परेशानी में, मैं ही बुला के लेकर आया हूँ आपके पास। अच्छा, इसे परेशानी है, क्यों आया है भाई? क्या परेशानी है तेरी? अरे तू सुस्त क्यों पड़ गया, बोल क्यों नहीं रहा है और इतना उदास क्यों हो रहा है? अरे बता, क्या परेशानी है तुझे? मालिक ये नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ। मालिक, ये बहुत गरीब घर से है, इनके माँ बाप तो है नहीं, ये भाई बहन है। एक दिन इसकी बहन इसको ट्यूशन पढ़ाने ले जा रही थी, रास्ते में सत्या और जग्गा मिल गए और उनसे थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया तो सत्या ने इसकी बहन की गोली मार दी। मालिक, ये अनाथ है, आप ना इसकी थोड़ी बहुत मदद कर देते, इसलिए मैं आपके पास लेकर आया हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ इसके साथ। चलो ठीक है बेटा, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ।
पैसा से लेके कोई भी चीज़ तुम्हारी इच्छा हो, जैसा अगर घर नहीं है तुम्हारा तो घर भी बनवा सकता हूँ। बताओ क्या मदद चाहिए? मालिक मुझे पैसे या घर नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी बहन का बदला चाहिए। मालिक मैंने सुना कि आप पहले गुंडा थे और लोगों से पैसे लेकर उनकी जान लेते थे। मालिक मुझ में पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरी बहन के कातिलों को आप मार दोगे तो मैं जिंदगी भर यहाँ पर काम करूँगा। हाँ मालिक ये सही कह रहा है, जब तक आपका कर्जा नहीं चुकेगा तब तक आप यहाँ पर ये गुलामी करता रहेगा। मुझे आप पर विश्वास है, आपकी सेवा यहाँ पर कोई नहीं है जो इसके बहन के कातिलों को मार सके। क्या तू बकवास कर रहा है? अरे मैं जिस दंधल से निकल चुका हूँ फिर मुझे उसमें तू घुसेरना चाह रहा है? बेटा तू जा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर तुझे पैसे टके की मदद चाहिए या घर की किसी भी चीज की, तो मैं तेरी आधी रात मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये काम मुझसे नहीं होगा, तू जा। देख छोटू, मालिक के अंदर अब थोड़ी भी दया नहीं है, ये तेरा साथ नहीं दूंगी। आ, मैं तेरा साथ दूंगा, आ चलते हैं। ओए रुक, इधर आ पहले। चल मैं तेरी मदद करूंगा जो मुझसे हो मिले, लेकिन तुम मेरे बारे में अभी जानते नहीं, मैं क्यों मने कर रहा हूं, और उसी दिन से मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया। सुनो मैं तुम्हारे लिए बताता हूं, एक दिन मालिक मुझे माफ कर दो, मुझे मालूम नहीं था आप इतना बड़ा दर्द अपने सीने के अंदर छुपाए बैठे हो। ठीक है, अब तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बेटे मेरा एक दोस्त है और मुझसे वो बिछड़ गया, वो अभी भी पैसा लेकर आदमियों की सुपारी लेता है। मैं पैसे तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, और मेरा कार्ड है, वो कार्ड और पैसे उसे दे देना तो तुम्हारी मदद जरूर करेगा, और जो भी तुम्हारी बहन का कातिल है उसको खत्म कर देगा। ये लो इसमें 5,00,000 रुपए हैं, और ये रहा उसका कार्ड, ठीक है? और उससे बोल देना कि हमारे लिए निरंजन ने भेजा, फिर वो पहचान जाएगा मेरा नाम लेते हैं। ठीक है मालिक। और एक बात सुनो मेरी ध्यान से, मेरे बारे में उसे कुछ मत बताना कि मैं यहाँ पर छुपकर एक किसान बनकर एक आम जिंदगी जी रहा हूँ। ठीक है मालिक, हम आपके बारे में कुछ नहीं बताएंगे, जैसा आपने कहा ना वैसा ही करेंगे। ठीक है फिर तुम निकलो। छोटू एड्रेस तो यही है, पर यहाँ पर कोई दिखाई तो दे नहीं रहा है। भैया चलो आगे चलकर देखते हैं, क्या पता पल्ली तरफ से हो। आ छोटू। ये रास्ता है, चल इधर देखते हैं। चल के कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? प्लीज भैया गोली मत चलाना, अभी बताता हूँ। हाँ बोल क्या बात है, और इस बैग में क्या है, कहीं बम तो नहीं लेके आया है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इस बैग में ना पैसे हैं, और मैंने सुना है आप पैसे लेकर किसी की भी जान ले लेते हो, इसलिए हम पैसे लेकर आपके पास आए। हमें ना 2 लोगों की सिफारी देनी है। अच्छा कितना कैश है इस बैग में? भैया पूरे 5,00,000 रुपए हैं। तो मैं पता नहीं है मेरी सुपारी के बारे में, 5,00,000 रुपए तो एक आदमी के लगते हैं।
तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा, चले जाओ वापस। प्लीज भैया हमारा काम कर दो, हम गरीब हैं। प्लीज भैया कर दो हमारा काम। मैंने कहा ना 5 लाख रुपए में तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा। और हाँ पहले तो तुम ये बताओ तुम्हें एड्रेस किसने बताया? भैया एक निरंजन नाम का आदमी था, उसने ये कार्ड दिया और उसने कहा था ये कार्ड दिखा देना तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे भैया क्या हुआ और आप इतने उदास क्यों हो गए इस कार्ड को देखकर? भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं, इस कार्ड से ना मेरी बचपन की दोस्ती जुड़ी हुई है, वो मुझे इस कार्ड को देखकर याद आ गई। भाई पहले तुम मुझे ये बताओ जिस इंसान ने तुम्हें ये कार्ड दिया है वो इंसान है कहाँ पर, मुझे बहुत दिनों से तलाश है। भाई तुम केवल एक बार मुझे ना मेरे दोस्त के दर्शन करा दो, मैं तुम्हारा काम बिल्कुल फ्री में कर दूंगा, एक पैसा भी नहीं लूंगा। भाई तुम अपने दोस्त के लिए इतने इमोशनल हो गए, ऐसा क्या हुआ जो तुम बिछड़ गए? भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं, जिस दिन से मेरे दोस्त का भाई खत्म हुआ है उस दिन से उसने ये धंधा छोड़ दिया और वो इस दलदल से निकल गया। केवल मेरी ही बदनसीबी है जो मैं इस दलदल में फंसा रह गया। उसने मुझे बहुत समझाया लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आया। मैंने अपने आप को सुधारने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं सुधर नहीं पाया। अगर मेरा दोस्त मुझे मिल जाता तो मैं ये धंधा सब छोड़ दूंगा। भाई मैं इमोशनल हो गया आपकी स्टोरी सुनकर, मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं, जैसा आपके दोस्त के साथ हुआ था ऐसा ही इस बच्चे के साथ हुआ है। जग्गा और सत्या ने इसकी बहन को मार दिया। अच्छा फिर तो छोटू तेरा काम और भी आसान हो जाएगा, मुझे भी जग्गा और सत्या से अपना पुराना बदला लेना है। तू टेंशन मत ले, 24 घंटे के अंदर अंदर वो दोनों तेरे कदमों के नीचे होंगे, फिर आसानी से ले लेना उन दोनों से अपनी बहन की मौत का बदला। भाई खर्चा पानी के लिए ये पैसे तो ले लो। भाई अब तुम पैसे लेकर जाओ, अब मेरा काम रह गया है मैं पूरा करूंगा। ठीक है भैया। भाग जा, तू मेरी चिंता मत कर, मैं इसे रोकता हूँ। हाँ मेरे दोस्त, इस हालत में तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ, चल मेरे साथ। बेटा अब तुम दोनों उठो और चलो मेरे साथ, मुझे ना तुम्हारी बहुत दूर तलाश थी, तुमने मासूमों पर बहुत जुल्म ढा लिए, चलो। चल अंदर चल। ये ले गन, मैं तुझसे वादा किया था कि 24 घंटे से पहले पहले ये दोनों तेरे कदमों में होंगे, ले पकड़ गन और कर दे खत्म। भैया ये तुमने बहुत अच्छा किया, जो मेरी बहन के कातिल मेरे कदमों में है। भैया मैं तुम्हारा जिंदगी भर ऐसा नहीं भूलूंगा, आज होगा मेरी बहन का मौत का बदला पूरा। ज्यादा टाइम मत लगा छोटू, कर दे इन दोनों को खत्म। छोटू हमें माफ कर दे, मां आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, प्लीज छोटू मैं माफ कर दे। अच्छा मैं तुम्हें माफ कर दूं, उस दिन मेरी बहन को भी तुमने माफ नहीं किया। प्लीज छोटू हमें माफ कर दे। ला छोटू ये गन मुझे दे, अब हो गया तेरी बहन की मौत का बदला पूरा, मैं भी ये खून खराबा छोड़ना चाहता हूँ। प्लीज मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मेरे दोस्त का एड्रेस बता दो, मैं भी इस खून खराबे को छोड़कर एक आम जिंदगी जीना चाहता हूँ। बता दो कहाँ रहता है मेरा दोस्त?
ठीक है भाई, आपका दोस्त एक बियाबान जंगल में फार्म हाउस बनाकर वहाँ पर रहता है, लेकिन भाई वहाँ पर पैदल जाना मुश्किल है, हम कैसे पहुँचाएं तुम्हें? अरे भाई ये कैसी बात कर रहे हो, है ना मेरी गाड़ी, आओ बैठो।